ये हम लोग के मतलब सहयोगी मित्र भी है, तो आपसे सर ये जानना चाहते हैं, जैसे हमारा जितने ग्रुप के लोग हैं, हम लोग एक मतलब कोचिंग मतलब के टाइप पर एक ग्रुपिंग टीचिंग कर रहे हैं, ग्रुपिंग क्लास। ग्रुपिंग क्लास कर रहे हैं, तो हम लोग के सीनियर भी हो गए हैं और पारा टीचर से ही सहयोगी टीचर थोड़े सहायक अध्यापक बने हैं, तो सर इससे आपका जो इससे अनुभव ही है 18 साल से हाँ, पारा से है 18 साल। ना, इसके बाद गए हैं तो आप तो डेट पास करके मतलब ये हुए हैं, तो हाँ हम लोग जानना चाहते हैं कि टेट जो है परीक्षा वो आकलन जो हम लोग को निकालने को जो अभी हाँ जो सरकार की है, तो इसमें अपना आपका तजुर्बा जो है एक्सपीरियंस जो है आपका अनुभव वो हम लोग के साथ में कुछ शेयर करें, ताकि हमारा जो ये चल रहा है नौ प्रभात क्लासेस इस के माध्यम से हम और लोगों को जैसे और साथी लोगों हाँ को कुछ ऐसा मतलब दें कि वो कैच कर सके मतलब ग्रहण कर सके हम लोग के बात को और आगे आने वाले परीक्षा में पास कर सके। देखिए, 2013 में टेट दिए थे हम, दो टेट दिए हैं, दोनों टेट का अनुभव है। 2013 में जो हम टेट दिए थे उसमें देखे थे कि गणित जो था एकदम बहुत आसान पूछा, बहुत आसान पूछा था। उसमें नॉर्मली जोड़ घटा गुणा भाग ही दिया उसमें। लेकिन हुआ क्या कि लोग उसमें ज्यादा पलक इसलिए कर गए कि क्वेश्चन आसान देखे, और उन लोगों ने क्या किया, गणित को पीछे कर दिया और साफ इधर सॉल्व करते रहे। तो गणित ही होता है, उसको कभी भी नॉर्मली मान करके नहीं चलना। उसको इग्नोर नहीं हाँ, इग्नोर नहीं करना है। आप उसको सोचिएगा कि बिना ध्यान लगाए हम बना देंगे तो नहीं होगा, दो दो पांच हो जाएगा, है ना। आपको गणित में ध्यान एकाग्र करना होगा और आसान क्वेश्चन देख करके खुश नहीं होना। जहां आसान क्वेश्चन देख करके खुश हो गए कि दो दो पांच हो गया और आपका गलत है ना। इसलिए तो पहला अनुभव हम यही देखे, तो उसमें जो है मेरा नंबर हालांकि बहुत अच्छा आया, क्योंकि गणित में हम शुरू में जब रेलवे में का भी तैयारी किए हैं, एग्जाम दिए हैं, तो गणित मेरा बहुत बढ़िया रहा। और गणित हम जितना भी दिए हैं उसमें 100% मार्क देते थे। लेकिन होता क्या था कि हम गणित के चक्कर में पढ़ करके दूसरे विषय को नहीं छुपाते थे और टाइम ओवर हो, तब हमको क्या आया।